गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं विवेक कुमार, आज वायरल विवेक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बिजली का जो बिल होता है उसे आप कैसे खुद से डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे आप अपना बिल चेक कर सकते हैं खुद से, ये मैं आपको ऑनलाइन बताने वाला हूं। और ये बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है, आपके पास सिर्फ कंज्यूमर नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास कंज्यूमर नंबर अवेलेबल है तो आप बिजली का बिल खुद से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी एक नया अपडेट आया है बिजली बिल के वेबसाइट पर, जिसमें कि आपको बिजली का जो कंज्यूमर नंबर है वो कैसे आप निकालेंगे वो चीज़ आया, बट वो लिंक अभी काम नहीं कर रहा, तो मैं दोनों ही चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो भी आपका ब्राउज़र यूज़ करते हैं, गूगल क्रोम हो, मोज़िला हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, जो भी आप यूज़ करते हैं, उस पर सिंपल सा जो मैं ये वर्ड्स लिख रहा हूँ SBPDCL, इसे आपको लिख के सर्च कर देना है। SBPDCL का फुल फॉर्म होता है साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि जो हम लोगों को जो बिजली मिल रही है वो साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से मिल रही है, एंड उन्हीं का पावर ग्रिड हर जगह पे अवेलेबल है साउथ बिहार में। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्विक बिल पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका इस तरह से एक वेबसाइट खुल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप हिंदी में भी चेक कर सकते हैं, सपोज़ मैं इसे हिंदी कर देता हूँ तो आप हिंदी में ये हो जाएगा लगभग सारी चीज़ें, ठीक है। और अगर आप इसे इंग्लिश में करते हैं तो ये इंग्लिश में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख पाएंगे सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूँ, इस वेबसाइट से आप ऑनलाइन बिजली के लिए आवेदन भी दे सकते हैं। वो बिजली के लिए आपको एप्लीकेशन कैसे देना है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। आज के वीडियो में सिर्फ आपको बताने वाला हूँ कि बिजली का बिल आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप यहां देख सकते हैं, यहां पे आपको क्विक बिल पेमेंट में कृपया उपभोक्ता संख्या डालें, ठीक है। यहां पे आपको अपना कंज्यूमर नंबर डालना है, तो यहां पे मैं क्लिक करता हूं और अपना कंज्यूमर नंबर में डाल देता हूं। ये मैंने अपना कंज्यूमर नंबर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपल सा सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहां नीचे देखिए डिटेल आ जाएगा आपके बिल का। आप देख सकते हैं कंज्यूमर अकाउंट नंबर क्या है, कंज्यूमर का नेम क्या है, बिल का मंथ क्या है, यानी जनवरी 2021 का बिल है, यानी करंट बिल आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति आपके घर पे आके मीटर रीडिंग करके दे रहा है तो ही होगा, आप ऐसे भी बिजली बिल डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप नेट पेएबल बिफोर ड्यू डेट, यानी कि ड्यू डेट जो है वो 14 फरवरी 2021 है, यानी 14 फरवरी 2021 तक मैं बिल का पेमेंट कर सकता हूँ। और जो नेट पेएबल है बिफोर ड्यू डेट, यानी कि अगर मैं ड्यू डेट से पहले पहले पेमेंट करता हूँ तो मुझे ₹5545 देना है। अगर मैं बिल का पेमेंट ड्यू डेट के 10 दिन के अंदर अंदर करता हूँ, यानी जो 14 फरवरी है, 14 फरवरी से लेकर अगर 24 फरवरी तक के बीच में मैं करता हूँ तो मुझे ₹5607 देना पड़ेगा। यानी कि आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अमाउंट बढ़ जा रहा है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपको प्रीवियस पेमेंट अमाउंट, यानी अगर आपने कोई पिछला बिल जमा किया है तो वो आपका दिख जाएगा। सपोज़ बहुत से ग्रामीण लोग जो बिल जमा करते हैं उनको पता नहीं चलता है कि उनका बिल जमा हुआ भी है या नहीं हुआ है, तो यहाँ से वो देख सकते हैं कि उन्होंने पिछला जो बिल जमा किया था वो कितने अमाउंट का जमा किया था। जैसे यहाँ दिख रहा है ₹500, और जो पिछला बिल का जो जमा किया था उन्होंने वो किस डेट में किया था, तो 27 दिसंबर 2020। तो इस तरह से आपको पूरा डिटेल यहाँ सामने देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं कर पाएगा और आप बिल में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें सुधार भी करवा सकते हैं। कई बार होता क्या है कि बिजली बिल आपका, आप कम लाइट जला रहे हैं, कम पंखा वगैरह कुछ नहीं चला रहे हैं, उसके बावजूद बिजली बिल आपका बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो उस सिचुएशन में आप यहाँ से बिल डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कहाँ पे फॉल्ट है और किस मंथ में आपका बिजली बिल बहुत ज़्यादा आया है, उसके हिसाब से आप कंप्लेन करके अपना इश्यू रिजॉल्व करा सकते हैं। इस टॉपिक पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा जो कि मैं आपको आगे आने वाले 1-2 दिन के अंदर प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो दो टॉपिक मेरे पेंडिंग रहेंगे, एक बिजली बिल के लिए आपको आवेदन कैसे करना है ऑनलाइन, दूसरा बिजली बिल में अगर कोई फॉल्ट है तो उसके लिए कैसे शिकायत करें ताकि आपको समाधान मिल पाए। अब यहाँ पे मैं पे बिल और व्यू बिल दो ऑप्शन दिख रहा है, तो पे बिल पे आपको क्लिक नहीं करना है, आपको व्यू बिल पे क्लिक करना है। व्यू बिल पे अगर क्लिक करते हैं तो आपका बिजली बिल डाउनलोड हो जाएगा पूरा डिटेल के साथ। आप देख सकते हैं ये मेरे सामने बिजली बिल पूरा आ चुका है, और सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें लास्ट एक साल का, लास्ट वन ईयर का मंथ वाइज आपका कितना बिजली का खपत हुआ है, यानी कितना यूनिट बिजली आपने यूज़ किया है, वो पूरा डिटेल आपको आ जाएगा और मैं पूरा आपको इस बिल में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं इधर साइड में, ये मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको तो क्लियर होगा, ये देख सकते हैं यहाँ पे इधर साइड में पूरा नाम पता एड्रेस सब कुछ आ जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम पता एड्रेस मोबाइल नंबर सब कुछ दिख जाएगा आपको, जो आपने मोबाइल नंबर दिया होगा। अगर आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे गलत है तो उसे भी कैसे सुधार करना है ये भी मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा। विद्युत कनेक्शन की तिथि, यानी कि कब मेरा बिजली मीटर लगा था, तो 8 अप्रैल 2019 को मेरा बिजली मीटर लगा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
इसके साथ ही यहाँ आपको खाता संख्या दिख जाएगा, ऊपर में आप देख सकते हैं बांका अवर प्रमंडल कटोरिया, और जो आपको बिजली मिल रही है वो किस फीडर से मिल रही है, तो यहाँ पर शाखा चानन लिखा हुआ है, ठीक है, यानी चानन फीडर से मुझे बिजली मिल रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं खाता संख्या, उपभोक्ता संख्या, MRU नंबर, बिल संख्या, बिल की तिथि यानी बिल का किस डेट में बिल आया था, 30 जनवरी 2021 को मेरा बिल आया हुआ है, और पुराना उपभोक्ता संख्या, ये सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं GSTN बिल का मंथ, यानी कौन से मंथ का बिल आपका आया है, जनवरी 2021, यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पे ब्रीफली डिटेल जो मैंने आपको वर्डिंग में बताया था वो यहाँ लिख के दिया गया है कि 14 फरवरी 2021 तक अगर आप बिल जमा करते हैं तो 5,545 रुपये देना पड़ेगा, 24 फरवरी तक जमा करते हैं तो 5,546 रुपये, और 24 फरवरी के बाद अगर करते हैं तो 5,607 रुपये, यानी कि आप माइनस कर लीजिएगा 5,546 माइनस 5,607, आपका कितना बिजली बिल ज़्यादा फाइन लग जा रहा है सिर्फ 10 दिन के बीच में अगर आप जमा नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है, और हमेशा कोशिश कीजिए जो ड्यू डेट है उसे पहले पहले अपना बिल क्लियर करने का। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ डिटेल और भी है, जैसे यहाँ कनेक्शन का विवरण दिया हुआ है, यानी कि आपका कनेक्शन कौन सा है, DS1D, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो फेज 1 होता है, फेज 1 का कनेक्शन मुझे मिला हुआ है, और ये रूरल क्षेत्र में है तो एरिया आपका रूरल लिखा रहेगा। 1 किलोवाट, यानी कि 1 किलोवाट तक की आप बिजली में यूज़ कर सकता हूँ, अगर इससे ज़्यादा बिजली का खपत होता है मेरा तो मुझे कनेक्शन टाइप जो होता है वो DS2 लेना पड़ेगा, जो सेकेंड दो फेज का होता है। जमानत की राशि वगैरह आप देख सकते हैं अगर कुछ आपका है तो, और यहाँ आप देख सकते हैं बकाया विवरणी जो इधर साइड में आपको दिख रहा है, इसमें आप देखिए ऊर्जा बकाया, यानी कि जो आपका मेरा पहले से बिल बकाया था वो 4,727 रुपये था, लेट फाइन जो मुझे लगा, आप देख सकते हैं अगर बिजली बिल टाइम पे नहीं जमा करते हैं तो फाइन कितना लग जाता है, लेट फाइन यहाँ पे 566 रुपये 14 पैसा लगा। अगर मैं इसी बिल को टाइमली जमा करता तो ये मेरा 550 रुपये से ज़्यादा मेरा बचत होता, ठीक है। तो और यहाँ देख सकते हैं कुल बकाया यानी कि 5,294 रुपये है, और ये सिर्फ मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सभी के लिए है कि प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है बिजली का जो बिल आता है मंथ वाइज उसे क्लियर करते जाएँ ताकि आपका बर्डन ना बढ़े। अगर ये मंथ वाइज क्लियर करते हैं तो आपका बर्डन कभी नहीं बढ़ेगा और 100-150-200 रुपये में आपका काम हो जाएगा, क्योंकि बिजली बिल में जो है गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, मैं वो आपको दिखाऊंगा कि सब्सिडी कितना देती है। अब यहाँ देख सकते हैं मीटर पठन विवरणी है, यानी कि जो आपका मीटर है, मैं थोड़ा ज़ूम करता हूं, ये वाला जो लाइन है इसमें आप देख सकते हैं मीटर संख्या दिया हुआ है आपका SV67342910 करके, ये आप मीटर से मिला सकते हैं आप कि हां आपका सही मीटर नंबर के साथ आपका बिजली आ रहा है, बिजली बिल आ रहा है या नहीं आ रहा। यहां नीचे देख सकते हैं तिथि, यानी जिस डेट में मीटर रीडिंग हुई है वो डेट यहां पे लिखा रहेगा, जो है रीडिंग 1860 था 27 दिसंबर 2020 को 1822 था, तो इन दोनों को आप घटा देंगे तो टोटल जो यूनिट मेरा उठा है जनवरी महीने में वो 38 यूनिट है, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं बिहार में पर यूनिट 6 रुपये 40 पैसा बिजली का बिल पे करना होता है, जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है 4 रुपये 40 पैसे, यानी कि आपको जो है सिर्फ 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से लगता है, या 2 या 3 रुपये के हिसाब से ऐसे ही कुछ चेंजेस होते रहते हैं उस हिसाब से लगता है, और वो मैं आपको देखूँ प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। अभी बिल दिवस आप देख सकते हैं, यानी कि जो मेरा बिजली बिल है वो कितने दिन का है, तो 34 दिन का है, ये 34 लिखा हुआ है, ब्रैकेट में 34 लिखा है, ये डेज है, यानी 34 दिन का बिजली बिल मेरा 38 यूनिट है, यानी पर डे का ऑलमोस्ट 1 यूनिट के आसपास उठ रहा है मेरा बिजली बिल, ठीक है। उसके बाद आप जो मैं मेन चीज़ आपको सब्सिडी वाला दिखाने वाला हूँ, ये यहाँ पे वर्तमान बिल, वर्तमान बिल में आप देखेंगे तो ऊर्जा शुल्क, यानी जो करंट मंथ जनवरी का है, मेरा जो बिजली बिल आया है वो 229 रुपये 90 पैसा है, विलम्ब अधिभार यानी जो मेरा लेट फाइन जो है वो 118 रुपये 40 पैसा है, फिक्स चार्ज जो है 22 रुपये 67 पैसा, जो उनका टैक्सेस होता है वो कुछ कुछ टैक्सेस होते हैं वो मिला के इनका, तो सब कुछ मिला लिया जाए तो राज्य सरकार देखिए उसके बाद अनुदान कितना दे रही है 133 रुपये, और उप जोड़ यानी कि सब कुछ काट पीट के 251 रुपये 76 पैसा आ रहा है। मान के चलिए अगर ये लेट फाइन मेरा नहीं होता तो 229 रुपये का मेरा सिर्फ बिल था, 229 में 133 रुपये का सब्सिडी मुझे मिल जाता, तो 229 में अगर 133 का सब्सिडी अगर मुझे मिल जाता तो मेरा बिजली बिल होता कितना, 110, 108, 109 रुपये, इस तरह से मेरा बिजली बिल होता। लेकिन मंथली बिल कोई बड़ा बात नहीं है, इसे इजीली दिया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ नीचे कुल राशि, यानी कि जो आपका पुराना बकाया फाइन वाइन जोड़ के और करंट मंथ का बिल लेके 5,545 रुपये, और उसे भी अगर आप टाइमली नहीं पे करते तो सीधा 5,607 रुपये हो जाता है। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें और दिखाता हूँ, अब मंथ वाइज कैसे चेक करेंगे कि आपका बिजली का बिल किस महीने में कितना आया है, ठीक है। आप देख सकते हैं मेरा यहाँ 2020 लेके 2021 तक, यानी ऑलमोस्ट 1 साल का बिजली का डिटेल दिया हुआ है मंथ वाइज कि किस मंथ में कितना यूनिट है। आप जो खपत देख रहे हैं 168 यूनिट मार्च 2020 में, अप्रैल 2020 में 90 यूनिट, मई 2020 में 173 यूनिट, ये हर महीने का बिजली बिल खपत है। अगर आपका कहीं फॉल्ट होता है, क्योंकि मैंने कई ऐसे बिजली बिल देखे हैं जिनका एक एक मंथ में 2,000, 1,700, 1,800 यूनिट उठा हुआ है और उनका एक बार में बिल 10,000, 15,000, 20,000 रुपये आ गया, 7,000, 8,000 करके आ चुका है, ठीक है। तो वो
ये फॉल्ट है बिजली विभाग का, ठीक है। उस फॉल्ट को ठीक कराने के लिए आपको ऑनलाइन कंप्लेन करना पड़ेगा। ऑनलाइन कंप्लेन करने के बाद आपको कॉल आएगा, कॉल आने के बाद आपका जो भी समस्या है उसे सुना जाएगा एंड उसको रिजॉल्व किया जाएगा। इसके अलावा आपका जो फीडर है वहां पे जाके भी शिकायत कर सकते हैं। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, आज के डेट में ऑफलाइन कोई भी चीज उतनी कारगर साबित नहीं होती है। रीजन क्या है, आपका पेपर वहां देंगे, आप कंप्लेन करेंगे, वो पेपर वहीं का वहीं दब जाता है। बट ऑनलाइन में क्या है कि आपके पास एक प्रूफ रहता है कि हाँ आपने कंप्लेन किया है। दूसरा, ये एक हायरार्की मैनेजमेंट होती है, यानी कि आपका कंप्लेन एक लेवल से दूसरे लेवल, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल तक जाता है, ठीक है, इस समय में। तो इससे क्या होता है, आपकी कंप्लेन की सुनवाई जल्दी होती है, ना आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है। तो इस चीज का हमसे ध्यान रखिएगा, कंप्लेन आप ऑनलाइन कीजिए, आपका काम होगा 100% होगा। और ये उन लोगों के लिए जिनका बिजली का जो बिल है वो गड़बड़ हुआ है, ठीक है, क्योंकि गाँव में ऐसा हो नहीं सकता है कि 1700, 1800, 2000 यूनिट एक महीने में उठ जाए, ठीक है। तो इसलिए इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अंतिम भुगतान विवरण, अगर आपने बिल का पेमेंट लास्ट मंथ किया है या फिर पहले कभी भी किया है तो उसका पूरा डिटेल आपको इस तरह से दिख जाएगा, कितना अमाउंट आपने दिया, रसीद संख्या क्या था और डेट क्या था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बिल सुधार विवरण, यानी कंप्लेन करते तो यहाँ पे आपका दिख जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको पूरा डिटेल मैंने आपको समझा दिया। इन केस इसके बाद भी अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगा। और बिजली का बिल समय पे आप जमा कीजिए, ठीक है। आप अपने नज़दीकी किसी भी सीएससी सेंटर पे जाके भी बिजली का बिल जमा कर सकते हैं। अगर आप एटीएम कार्ड यूज़ कर रहे हैं, अगर आप यूपीआई चला रहे हैं, फ़ोन पे चला रहे हैं, पेटीएम चला रहे हैं, तो आप अपने मोबाइल से खुद बिजली का बिल जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए।